हे गाइस, मैं सीमा पांडे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आई होप लॉकडाउन में आप सभी अपने घर पे अच्छे से होंगे, अपने परिवार के साथ हॉलीडे की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के विषय पे मैं लेके आई हूँ, आज मैं आप लोग को अपने खेत दिखाऊंगी, कौन कौन से फसल खेत में लगे हुए हैं वो दिखाऊंगी। आप हमारे साथ आइए, हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ अपने सबसे पहले अंगना, जिसमें मैं कुछ चीज का बीज बोई थी, वो जन्म चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लौकी का पेड़ लगाई थी, यहाँ पे कोहड़ा का पेड़ है जो अभी इतना बड़ा हो चुका है, इसे चहगने इसे फड़ने में 1-2 मंथ देरी है। ठीक है, मैं आपको फिर खेत की ओर ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरे खेत में क्या क्या फसलें हो रही है। तो आप सभी चले, हम भी चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं वो आ रही है। बोल, जैसा कि देख रहे हैं हम खेत की ओर जा रहे हैं, हरा भरा सगर दिख रहा है हमारे खेत की ओर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम खेत की ओर आ चुके हैं। तो ये मेरा खेत है, इसमें देखिए मकई लगा हुआ है, ये छोटे छोटे मकई के पेड़ जलने हुए हैं। और भी मैं दिखाती हूँ, और भी देख सकते हैं, ये लौकी का पेड़ है, क्या बोलते हैं, झींगे का पेड़ है जो हम लोग गांव में खाते हैं, आप सभी भी खाते होंगे, नाम दूसरा होगा लेकिन चीज एक ही होगा। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं हमारे गांव का, ये सब देख के खेतों का नज़ारा। तो मैं आपको दूसरी खेत की ओर ले जाती हूँ, दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसा मेरा मकई जन्मा हुआ है। यहाँ का खेत तो मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट दिखा चुकी हूँ, तो नेक्स्ट वो मैं दूसरी खेत की ओर जा रही हूँ। आइए, जैसा कि हम दूसरी खेत गो, जैसा कि देख सकते हैं हमारे गांव का ये कुत्ता है, इसका नाम हम लोगों ने लंपट रखा है। ये लंपट की तरह बहुत ज्यादा शोर शराबा करता है, इसीलिए हम इसको लंपट बोलते हैं। देख सकते हैं कितना क्यूट कुत्ता है हमारा। गो, जैसा कि देख चुके हैं कि हम अपने दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं, और दूसरे खेत में भी मकई रो पाया हुआ है। आप देख सकते हैं मकई का नज़ारा, इतने छोटे छोटे पेड़ हैं, ये भिंडी के पेड़ हैं, और जो मेरे हाथ में है वो अमरूद का पेड़ है जिसे हम दूसरे खेत में लगाने वाले हैं। तो हमारे गाँव का यही नज़ारा है, आप देख सकते हैं अगल बगल का नज़ारा कैसा है, सगर हरा भरा दिख रहा है इस गाँव में। देख सकते हैं सगर, कोई खेत खाली वाली नहीं है, सारा खेत हरा भरा है इस समय के मौसम में। आप देख सकते हैं इस मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारा देखिए वो जो लंपट कुत्ता है वो आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, भौंकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रात में भौंको क्या कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस कुत्ता के चलते हम लोग को थोड़ा बहुत गाली भी सुनना पड़ता है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, पर क्या करें, है तो हमारा ही ना। जैसा कि देख सकते हैं हम दूसरे खेत की ओर आ चुके हैं, तो इस खेत में मेरा मड़ुआ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। दो खेत में मेरा मकई लगा हुआ था और ये इस खेत में मेरा मड़ुआ लगा हुआ है। तो अब मैं तीसरी खेत चौथी, जैसा कि देख सकते हैं अब हम चौथी खेत की ओर आ चुके हैं। तो हमारा इस खेत में मूंग का पेड़ लगा हुआ है, बहुत ही हरा भरा है ये खेत, इसमें बहुत अच्छे हवा आ रहे हैं, इसमें आप बहुत अच्छा हवा का आनंद ले सकते हैं। तो मैं यहीं पे इस वीडियो का स्टॉप करती हूँ। लाइक करें, शेयर करें, आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ओके, तो ठीक है, इसी वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अब हम घर की ओर जाते हैं। तो आप लॉकडाउन में अपना आनंद उठाएं अपने परिवार के साथ, पसंद आए तो बहुत बहुत। ओके ठीक है, जय हिंद।